तो गैस मेरे हाथ में है एक ऐसा देसी बॉम देख रहे हो आप ये ऐसा लड्डू है कि ये इस गांव में हर लड़का खाता है चाहे वो बॉडी बिल्डर हो पावर लिफ्टर हो इसमें ऐसा क्या है यार ये क्या गेनिंग के लिए बढ़िया है मसल कटिंग के लिए अच्छा है बिल्डिंग के लिए अच्छा है तो हमारे दो जैसे कहते हैं गेस्ट ही बताएंगे एक है हमारे बॉडी बिल्डर जिसको तो यहाँ पर फ़ौजी भाई बोला जाता है और एक हमारे पावर लिफ्टर भाई जिनको क्या बोला जाता है नरेंद्र गुजिया भाई तो दोनों भाई खाते हैं ये लड्डू भाई इस क्या भाई इस बारे लड्डू के बारे में कुछ बताइए किस चीज़ का बना है भाई देखिए ये लड्डू हमारे बचपन से ही खाते आ रहे हैं हमारे बुजुर्गों सभी खाते हैं ये लड्डू मम्मी बनाती है हमारे घर में और हमारे क्या हर घर में लड्डू बनता है इस लड्डू को बनाने के लिए जैसे दो तीन तरीके के बनाते हैं एक मेथी का लड्डू बनाते हैं वो बुज़ुर्गों के लिए होता है जैसे कमर में दर्द हो गया पैर में घुटने में दर्द होता है तो बुजुर्ग खाते हैं और जवान लड़के जैसे नरेंद्र भाईअर जैसे हैं उनके लिए बाजरे का गेहूँ का मिक्स करके आट ये बनाया जाता है और एक इसमें चने का भी बनाते हैं ताकि नजला कौन सा बाजरे का और गेहूँ का मिक्स है इसमें काजू बादाम और किशमिश बूरा घी ये सब मिक्स होता है तब बनता है गाइस ये जिसे कहते हैं सुपर कैलरी वाला तो भाई आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है ना जी तो, आप तो खाते हो ये? हाँ मैं ज़रूर खाता हूँ जब भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मीठा कार्ब लोड करना है थोड़ा सा तो मैं इसे ज़रूर खाता हूँ लेकिन थोड़ा कंट्रोल में लेके खाता हूँ मन करता है ज़्यादा खा जाऊँ लेकिन एक दो खा ही लेता हूँ अच्छा तो खा के तो उठाओ भाई एक आप भी उठाओ भाई तो भाई आप पावर लिफ्टर हो जी तो आपको कितनी हेल्प मिलती है इस लड्डू से भाई तरुण भाई मेरे जिम की स्टार्टिंग या मैं कहूँ कि जैसे ही मैं सुबह उठता जाऊँ तो सबसे पहले मुझे लड्डू चाहिए और आधे किलो दूध चाहिए चाहिए मुझे और जब मैं एंड करूँगा अपने दिन का तो रात को मुझे एक लड्डू और आधे किलो फिर से दूध चाहिए तो मेरा तो रोज़ का ही है तो भाई ये हेल्दी होता है मतलब ये कैसे आप कैसे बोलोगे इसको भाई ये हेल्दी तो है क्योंकि इसमें देसी घी है बादाम है जो हमें चाहिए होता है वो सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके हमारी माता जी हमारी माँ जो है बचपन से हमें इन्हें ही खिलाती हुई आ रही है तो हमारी तो सारी पावर इसमें छिपी है तो भाई क्या रीज़न है कि देसी जो रूट्स हैं वो इसी में छुपे हुए हैं ना कि मतलब ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो यही वजह है कि देसी लोगों में इतनी ताक़त होती है भाई हाँ बिल्कुल इसमें आप देख लीजिए काजू बादाम किशमिश है घी है तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है बॉडी किसी बॉडी में किसी भी तरीके से प्रोटीन कार्ब आना जरूरी है तो तभी मसल बिल्ड होता है और ताकत भी आती है तो भाई आप जैसे बॉडी बिल्डर हो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में इसकी क्या मान यहाँ तो नहीं खाते हो गया नहीं मैं उस टाइम जैसे पीक सीज़न रहता है मेरा बॉडी बिल्डिंग कम्पटीशन नज़दीक रहता है तब मैं अवॉइड करता हूँ लेकिन उसके बाद जैसे ही कॉम्पिटन मेरा खत्म हो जाता है मैं ज़रूर ये लड्डू खाता हूँ दूध के साथ रुका नहीं।, नहीं जाता रह नहीं पाता हूँ इनके बच्चे तो जैसे कोई लड़का कॉम्पिटन नहीं खेलता है कुछ भी नॉर्मल लड़के इनको फिट रहना है उनके लिए तंदुरुस्ती के लिए शरीर उनके लिए बहुत अच्छा है मसल बिल्ड के लिए गेनिंग के लिए बहुत अच्छा है आप सुबह शाम अगर दो लड्डू खा रहे ना तो मैं यकीन मानिए हफ्ते में उसको रिजल्ट दिखेगा हफ्ते में चार पाँच किलो नॉर्मल वजन बढ़ जाएगा उसका आराम से अच्छा तो अब कहना सही होगा भाई कि ये देसी गेनर है ये हमारा हूँ बिल्कुल हंड्रेड परसेंट आप क्या बोलोगे भाई? बिल्कुल देसी गेनर है भाई भाई इसे आप एक शहरी बच्चे को खिला दूँ बंदे को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा इसे ये हर एक देसी घर में आपको मिलेगा और देसी बच्चा इसको झेल पाएगा बिल्कुल तो हम जो भाई ये जो लड़के देसी गेनर वगैरह के पीछे भागते रहते हैं गेनर वगैरह के लिए असली गेनर तो कोई घर पे पड़ा हुआ है हमारे बिल्कुल हमारे घर पे है भाई थोड़ी देखने की क्वालिटी अपनी चेंज करनी पड़ेगी बाकी गेनर तो आपके सामने है और हम तो बचपन से यही खाते हुए आ रहे भाई यही गेनर है सबको पता है सबको जितने देसी लड़के हैं ना सब यही खाते हैं ज़्यादातर तो तभी उसमें दिन में इतनी जान रहती है भाई बिल्कुल सब पावरफुल मिलेंगे आपको तो भाई इसको आप बचपन से सारे बच्चे खाते आते आ रहे हैं भाई तो लेकिन जैसे देसी घी है कई लोग पचा नहीं पाते तो अगर किसी को बनाना है घर में तो उसकी रेसिपी क्या होगी भाई कैसे बनाया जाए इसको रेसिपी तो देखिए इसके बारे में हमारी मम्मी ज़्यादा अच्छे से बता पाती हैं लेकिन जहाँ तक हमने भी देखा है बचपन से देखते आ रहे हैं तो इसमें आटे को और बाजरे का दोनों आटा गेहूँ का आटा बाजरे का आटा मिक्स करके उसको भूना जाता है उसके बाद घी काजू बादाम अखरोट मेवा जितने भी होते हैं वो सब मिक्स करके तब इनको लड्डू लड्डू बनाए जाते हैं क्या बात बात है क्या देख रहे हो इतना पावरफुल और इतना देसी और इतना हेल्दी कहना ये तो देसी गेनर हमारे घर पे ही है बस देखने की ज़रूरत है भाई गेनर में और इसमें क्या फ़र्क हो गया ऐसा देखिए तरुण भाई इसमें क्या है हमारे सामने बन रहा है जैसे हमारे घर का दूध हुआ उससे हमने घी बनाया घी के बाद हमने आटा अपने सामने लिया उसको भुना उसमें काजू बादाम नेचुरल चीज़ें जो हमने मिक्स किए मावे वगैरह तो हमने घर में अपने सामने बनवाया हमने सामने देखा अच्छा बना लेकिन क्या होता है सप्लीमेंट वगैरह हम जो भी लेते हैं आजकल कल हंड्रेड परसेंट श्योरिटी नहीं है कि आप असली ले रहे हो नहीं ले रहे हो दुकान वाला उसको भी नहीं पता होता पीछे से कहाँ से ब्लैक मार्केट से नकली आ रहे हैं उससे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है लूज़ मोशन लग जाते हैं और ये हंड्रेड परसेंट श्योरिटी है अच्छा है और बॉडी में फिट रहता है पच भी जाता है और हमारे लिए तंदुरुस्ती देता है तो अगर मैं आपको कि गेनर या ये आप क्या लोगे आप पर मेरे हिसाब से तो मैं तो ये लेना पसंद करूँगा क्योंकि मैं तो वैसे ही बहुत कम सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ मुझे दो दो साल हो जाते हैं मैं लेता ही नहीं कुछ तो मैं तो देसी डाइट पर रहता हो ज़्यादा सबको पता है भाई सबको बात है स्टे देसी